हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नौशाद अंसारी और आप देख रहे हैं आपका अपना हमारा और हम सबका यूट्यूब चैनल टेक इंडिया एफएम। दोस्तों, व्हाट्सएप ने हाल ही में एक अपडेट दिया था स्टेटस फीचर का, जिसे लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया। मुझसे कई लोगों ने एक ही क्वेश्चन पूछा कि कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मैं अपने व्हाट्सएप को पहले जैसा यूज़ कर सकूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको व्हाट्सएप के मॉडर्न वर्जन के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसकी मदद से आप अपने व्हाट्सएप पर एक साथ यूज़ कर पाएंगे व्हाट्सएप के ओल्ड फीचर और व्हाट्सएप के न्यू फीचर को। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हैं या हमारे चैनल पर काफ़ी टाइम से विजिट कर रहे हैं, तो आपको पता होगा मैं कभी भी रिक्वेस्ट नहीं करता कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। शायद ये हमारा तीसरा रिक्वेस्ट है और मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें इतने सारे फीचर हैं कि डेफिनेटली आपकी आँखें फटी की फटी रहने वाली हैं। दोस्तों, जब आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके मोबाइल पर कुछ इस तरह का आइकन शो होगा। अभी मैंने इस पर ब्लू आइकन लगा रखा है। आप इसमें कोई भी कलर कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसमें बहुत से ऐसे फीचर हैं जिसको देखने के बाद आपको ज़रूर मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट्सएप के ओल्ड टू न्यू, न्यू टू ओल्ड, कि आप अपने सिर्फ एक व्हाट्सएप में आपकी जब मर्जी हो आप अपने पुराने व्हाट्सएप को यूज़ करने लगें और जब आपका मन करे आप अपने नए अपडेट में पहुँच जाएँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इसे यहाँ से ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, आपको थ्री डॉट दिख रहे होंगे। इस थ्री डॉट पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपको एक आइकन शो हो रहा है जीबी सेटिंग नाम का, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप थोड़ा सा नीचे लाइए। नीचे लाने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपको आइकन शो हो रहा है अदर मोड। इस अदर मोड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे आइए। यहाँ पे देखिए, आपको शो कर रहा है 6.8 ओल्ड UI। आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 6.8 ओल्ड UI पे यहाँ से इसे टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ से इसे बैक कर रहा हूँ मैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने बैक किया ये हमारा पुराना वाला व्हाट्सएप हो गया है। यहाँ पर आपको कोई भी स्टेटस नाम का आइकन नहीं शो हो रहा है। अब अगर आप चाहते हैं कि पुराना वाला यूज़ कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं नए वाले पे आना, तो वही चीज़ आपको करनी होगी। इस थ्री डॉट पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जीबी सेटिंग में आना होगा। जीबी सेटिंग में आने के बाद आपको वहीं पर आना होगा, 6 नंबर पर अदर मोड पर। अदर मोड पर आने पर दोस्तों यहाँ पर 6.8 ओल्ड UI जो आपका अभी आपने चेक किया था उसे यहाँ से अनचेक कर दीजिए। अनचेक करने के बाद दोस्तों जब आप बैक करके वहाँ पे जाएंगे तो आप देखेंगे आपका न्यू वाला व्हाट्सएप ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा, मैं जब बैक करके यहाँ पर आया तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका स्टेटस नाम का आइकन आ गया है। तो बहुत ही आसानी से जस्ट 5 सेकेंड में आप ओल्ड टू न्यू, न्यू टू ओल्ड पर आ सकते हैं और आपका जब मन करे नए फीचर को यूज़ करने का तो आप नए कर सकते हैं। और उसी तरह से आप इसे बैक पर जा करके ओल्ड वर्जन को यूज़ करके आप इसे ओल्ड वाले फीचर को भी यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें बहुत सारे फीचर ऐसे हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों शायद आपने अभी नोटिस नहीं किया होगा, यहाँ पर आप देखिए हमारी थीम, जो थीम है व्हाट्सएप की, वो आपको थोड़ी सी गोल्डन दिख रही होगी। तो ये मैंने कैसे किया, यहाँ पर दोस्तों देखिए आपको एक प्लस नाम का आइकन शो हो रहा होगा। इस प्लस वाले आइकन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपको ब्रश नाम का आइकन शो हो रहा होगा। अब ब्रश का, इस ब्रश वाले आइकन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे बहुत सारी थीम मिल जाएंगी। 1656 थीम आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आपको जो भी अच्छी लगे आप यहाँ से इसे स्क्रॉल करते जाइए और यहाँ से आप उन सारी थीम आपको मिल जाएंगी जो यहाँ पर आपको अवेलेबल है। यहाँ पर आप यहाँ पे अपनी पसंदीदा थीम कोई भी सेलेक्ट करके यहाँ पर अप्लाई वाले आइकन पर क्लिक करके आप उसे अप्लाई करके यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं एक और फीचर की। दोस्तों कई बार क्या होता है कि कई ऐसे मैसेज आते हैं या कुछ बंदे ऐसे हैं जो इंग्लिश में एक्सपर्ट नहीं है, जैसे मैं अपनी बात कर लूँ तो मान लेते अगर मुझे कोई मैसेज आता है किसी अदर लैंग्वेज में तो उसे अपनी लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब ये लिखा है माय नेम इज़ नौशाद इंग्लिश में, अब मैं चाहता हूँ कि इसे हिंदी में कन्वर्ट कर लूँ, मुझे अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको इस मैसेज में आपको 5 सेकंड के लिए टैप करना होगा। टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको थ्री डॉट दिख रही है, थ्री डॉट पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है आपको ट्रांसलेट का, इसे यहाँ से ट्रांसलेट पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप किस लैंग्वेज में चाहते हैं उस मैसेज को कन्वर्ट करना, मैं चाहता हूँ हिंदी में तो मैं ट्रांसलेट टू हिंदी पे क्लिक कर रहा हूँ। और क्लिक करने के बाद दोस्तों ये मेरी लैंग्वेज में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। देखिए दोस्तों आ गया, मेरा नाम है नौशाद। तो दोस्तों ये भी एक बहुत अच्छा फीचर मिल जाता है आपको यहाँ पर। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं और दूसरे फीचर की। ये प्लस वाले आइकन पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दे रहा है पेस्ट का, इसे यहाँ से इसे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख पाएंगे यहाँ पर आपके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी बंदे ऐड होंगे उन सारी इन्फॉर्मेशन सबकी आ जाएगी कि कौन कब ऑनलाइन हुआ और कौन कब ऑफलाइन हुआ, किसने कब स्टेटस चेंज किया, किसने कब DP चेंज करी। तो यहाँ पर आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो जो बंदे होंगे वो कब ऑनलाइन है और कब ऑफलाइन है।
तो दोस्तों ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है कि आप किसी भी बंदे पर नज़र रख सकते हैं कि कौन कब ऑनलाइन हुआ और कौन कब किसने DP चेंज करी और स्टेटस चेंज किया। तो दोस्तों ये भी एक बहुत अच्छा फीचर मिल जाता है आपको यहाँ पर। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं और दूसरे फीचर की। यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक पेन सा आइकन दिख रहा होगा, पेंसिल का, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये आपकी पूरी सेटिंग GB की ओपन हो जाएगी इस व्हाट्सएप की। यहाँ पर दोस्तों आप देखिए आपको 6 नंबर पर दिख रहा होगा अदर मोड, इस पर आपको क्लिक करना है। अदर मोड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे फीचर ऐसे हैं जो डेफिनेटली आपको पसंद आने वाले हैं। यहाँ पर देखिए आपको 6.1 नाम का एक लॉन्चर आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे आपको कलर मिल जाएंगे अपने व्हाट्सएप के। जैसे मैंने अभी यहाँ पर अपना ये चेक किया हुआ है ब्लू पर, तो आप अगर आप चाहते हैं ग्रीन तो ग्रीन पे चेक कर सकते हैं, तो आपका ये व्हाट्सएप ग्रीन हो जाएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं व्हाट्सएप के दूसरे फीचर पर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको एक आइकन शो हो रहा है 6.1 का टिक स्टाइल, इस पर क्लिक कीजिए। दोस्तों अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा कि जब आप किसी को पर्सनली मैसेज करते हैं, जब डबल टिक हो जाता है या जब वो रीड कर लेता है, तो कुछ इस तरह का आपने देखा होगा डिफ़ॉल्ट में जैसे शो हो रहा है आपको यहाँ पर, डिफ़ॉल्ट में कुछ इस तरह का डबल टिक होता है। बट अगर आप चाहें तो यहाँ पर आपको बहुत से मिल जाते हैं, आप जो भी चाहें उस तरह के डबल टिक को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और वैसे ही आपको वहाँ पर शो होगा। यहाँ पर आपको हाइक तरह का मिल जाता है, मैसेंजर की तरह का मिल जाता है, ट्विटर की तरह का मिल जाता है। तो जैसा आप चाहें यहाँ पर आप उसे कस्टमाइज़ करके यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है 6.5 का ऑलवेज ऑनलाइन। अगर आप दोस्तों चाहते हैं किसी को हमेशा ऑनलाइन दिखाना या किसी को जलाना कि हम परमानेंट व्हाट्सएप पे ऑनलाइन है, तो यहाँ पर आप ऑलवेज ऑनलाइन पे चेक कर दीजिए। उसके बाद आप बाहर आ जाइए, आपका व्हाट्सएप हमेशा के लिए जब तक आप इसे यहाँ से बंद नहीं करेंगे तो ये आपका परमानेंटली सामने वाले बंदे को ऑनलाइन शो करेगा, हर बंदे को जो आपके व्हाट्सएप को खोल के देखेगा। तो दोस्तों ये भी एक बहुत अच्छा फीचर मिल जाता है आपको यहाँ पर। दोस्तों थोड़ा सा और स्क्रॉल कीजिए, स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आइए, यहाँ पर देखिए आपको एक दे रहा है डिसेबल वॉइस कॉल। अगर आप किसी के कॉल से व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपको कोई कॉल करके बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तो आप सिंपली यहाँ से इसे चेक कर दीजिए डिसेबल वॉइस कॉल पे। उसके बाद कोई भी बंदा अगर आपको कॉल करता है वॉइस कॉल व्हाट्सएप पर, तो आपके पास कॉल नहीं आने वाली। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर। अब हम यहाँ से GB सेटिंग से थोड़ा सा एक स्टेप बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए आपको 7 नंबर पर शो कर रहा है लॉक नाम का आइकन, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप अपने पर्सनल व्हाट्सएप पर एक पासवर्ड सेट कर सकते हैं। आपको इसके लिए किसी भी अदर पासवर्ड एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, ऐप लॉक की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। आपके इस व्हाट्सएप में आपको इनबिल्ट एक लॉक मिल जाता है, यहाँ से आप इनेबल पासवर्ड पर क्लिक करके आप यहाँ से कोई अपना पासवर्ड चुन सकते हैं जो आप चाहें, और यहाँ से उसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये भी एक अच्छा फीचर मिल जाता है आपको यहाँ पर। अब दोस्तों बात करते हैं इस व्हाट्सएप के सबसे ज़बरदस्त और सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर की। अब मैं आपको बता रहा हूँ वो फीचर क्या है। यहाँ पर दोस्तों देखिए आपको 3 डॉट दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो कर रहा है सबसे ऊपर आपको प्राइवेसी नाम का, इस प्राइवेसी वाले आइकन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पॉपअप आपका ओपन होगा। सबसे ऊपर आपको दिख रहा है हाइड ऑनलाइन स्टेटस, सेकंड नंबर पर आपको दिख रहा है ब्लू टिक, थर्ड नंबर पर दिख रहा है आपको सेकंड टिक। इस फीचर में दोस्तों आपको क्या मिल जाता है कि हाइड ऑनलाइन स्टेटस में, कि अगर मान लेते हैं अगर आप व्हाट्सएप पर इस व्हाट्सएप में ऑनलाइन है और अगर आप चाहते हैं कि सामने वाले बंदे को ऑनलाइन शो ना हो, तो यहाँ पर हाइड ऑनलाइन स्टेटस पर क्लिक कीजिए। और ये आपका अब कोई भी अगर आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, अगर कोई भी बंदा आपके आके देखता है आपको, तो उसे आप ऑनलाइन शो नहीं होंगे। बट अगर आप ऑनलाइन हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी ऑनलाइन नहीं देख पाएगा। और दोस्तों यहाँ पे दूसरा फीचर है ब्लू टिक का, कि अगर आपका व्हाट्सएप अगर आप व्हाट्सएप पर ऑनलाइन है, कोई आपको मैसेज करता है और अगर आप उसका मैसेज रीड कर लेते हैं, तो सामने वाले बंदे को ब्लू टिक हो जाता है कि आपने उसके मैसेज को रीड कर लिया है। बट अगर आप चाहते हैं कि ब्लू टिक ना हो, आप उसके मैसेज को रीड भी कर लें, तो यहाँ पर ब्लू टिक पे जब आप क्लिक करेंगे, तो अगर कोई आपको मैसेज करता है और अगर उसका मैसेज आप रीड भी कर लेते हैं, तो उसके मोबाइल पर ब्लू टिक नहीं होने वाला। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सेकेंड टिक का, कि अगर आप किसी को मैसेज करते हैं या अगर आपको कोई मैसेज करता है और अगर आपका डेटा ऑन होता है, तो आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाता है और उस बंदे पर क्या होता है, उसके बंदे के मोबाइल पर सेकंड टिक हो जाता है और उससे पता चल जाता है कि आपके मोबाइल का डेटा ऑन है। लेकिन अगर आप चाहते हैं किसी को पता ना चले, तो आप यहाँ पे सिंपली प्राइवेसी पे आइए और सेकंड टिक पे क्लिक कर दीजिए और उसे बंद कर दीजिए। यहाँ पे देखिए हाइड फॉर कॉन्टैक्ट और हाइड फॉर ग्रुप, तो मैं यहाँ से हाइड फॉर कॉन्टैक्ट कर देता हूँ और मेरे जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में होंगे, अगर कोई मैसेज करेगा मुझे और मेरा अगर नेट ऑन भी होगा, तो भी उस बंदे के मोबाइल पर डबल टिक नहीं होगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं ये आपको व्हाट्सएप कहाँ पर मिलेगा। इस व्हाट्सएप का नाम है GB व्हाट्सएप, कई लोगों ने इसे पहले से भी यूज़ किया होगा। इस व्हाट्सएप का लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जा करके आप इसे बहुत आसानी से इंस्टॉल कर पाएंगे।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको कल एक नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़, जय हिंद।